हेलो लर्नर्स, बिल्कुल एक नए वीडियो को लेकर आपके सामने हाजिर हो चुका हूं। और यह वीडियो क्लास 12 स्टूडेंट के लिए हैं जो वेस्ट बंगाल बोर्ड से पढ़ते हैं। यह वीडियो EBS सब्जेक्ट से है। आपने जैसा डिमांड किया था कि सर EBS का MCQ और SAQ क्वेश्चन पर वीडियो बना दीजिए, तो आज के इस वीडियो में मैं 100+ MCQ क्वेश्चन को डिस्कस करूंगा। आप इसे अपने कॉपी पे नोट डाउन करके रखिएगा, जो आपके 2024 एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए पहला क्वेश्चन देख लीजिए। भारत में किस वर्ष जैव विविधता अधिनियम लागू हुआ था? तो 2002 में। हमारा सामान्य भविष्य रिपोर्ट किस वर्ष प्रकाशित हुआ था? तो 1987 में। माली सभ्यता का विध्वंस का मुख्य कारण था? तो पर्यावरणीय आपदा। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं हमेशा इस पर वीडियो अपलोड करता रहता हूं। इसके पहले भी मैंने बहुत सारा वीडियो बनाया हूं, आप जाकर प्लेलिस्ट को चेक कीजिए। 11 का, 12 का, 9 का, 10 का बहुत सारा वीडियो बनाकर डाला गया है, प्लेलिस्ट में सब नाम लिखा हुआ है। चार नंबर देखिए, अतिरिक्त मात्रा में नाइट्रोजन के प्रभाव के कारण होने वाले रोग कौन से है? तो नीला शिशु सिंड्रोम। मृत तथा अपघटित जैविक अवशेष को मिट्टी में रहता है उसे कहते हैं? तो ह्यूमस। भारत में संकटापन्न उभयचर प्राणियों की कुल वर्तमान संख्या क्या है? तो 3 है। भारत के किस राज्य में देवांग जीवमंडल भूभाग अवस्थित है? तो अरुणाचल प्रदेश। भारत में बाघ संरक्षण परियोजना की कुल संख्या है? तो 28। भारत के किस राज्य में पचमणि जीवमंडल संरक्षित क्षेत्र स्थित है? तो मध्य प्रदेश में। नारियल पेड़ का वैज्ञानिक नाम है? तो काकस न्यूसीफेरा। निम्न में से कौन सा देश विराट विविधता वाले देश है? तो हमारा देश भारत है, इंडिया है। लेंटाना कैमारा पौधा कौन से देश से भारत में लाया गया था? तो मैक्सिको से। गुजरात में हवन के लिए मुख्यतः कौन से पुष्प का उपयोग किया जाता है? तो शमी पुष्प का। याम का प्रयोग होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से कोई भी नहीं, सॉरी, गर्भ निरोधक गोलियों के उत्पादन में। आवासीय क्षेत्र की वायु में नाइट्रोजन ऑक्साइड की वार्षिक औसत सांद्रता की अधिकतम निर्धारित सीमा कितनी है? तो 60 माइक्रोग्राम पर घन मीटर। ग्रामीण क्षेत्र की वायु में निलंबित कड़ी का मय पदार्थ की वार्षिक औसत सांद्रता की अधिकतम निर्धारित सीमा कितनी है? तो 140 माइक्रोग्राम घन मीटर। सामाजिक पर्यावरण का एक घटक है? तो मानव धर्म। किस वर्ष में राष्ट्रीय पर्यावरण सचेतन अभियान शुरू किया गया था? तो 1986 में। राष्ट्रीय संसाधन का एक उदाहरण है जैव विविधता। पानी में मछलियों की आबादी में कमी का मुख्य कारण है? तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, सिरिश का वैज्ञानिक नाम है? तो अल्बिजिया प्रोसीरा। निम्नलिखित में से कौन बड़े जैव विविधता के रूप में डिजाइन किया गया देश है? तो भारत है। भारतवर्ष में वन संरक्षण कानून की घोषणा हुई थी? तो 1980 में। पश्चिम बंगाल का सुंदर वन प्रसिद्ध है? तो मानव कुंज वन। भारतवर्ष के किस राज्य में जीवमंडल संरक्षण मन्नार की खाड़ी अवस्थित है? तो तमिलनाडु में। हाथियों की घटती आबादी के कारण क्या है? तो ये सभी सही है, आप पढ़ लीजिएगा। भारत जैव विविधता में से किसी एक पौधे का नाम बताओ जिसका धार्मिक महत्व है? तो है तुलसी का पौधा। जैव विविधता का तात्पर्य है विभिन्न प्रकार के जीव जंतु। राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण भारत किस वर्ष स्थापित किया गया था? तो 2003 में। विश्व में सरीसृप विविधता के संदर्भ में भारत का स्थान क्या है? तो 5वां। भारतवर्ष में पश्चिम के घाटों पर भिन्न भिन्न प्रकार के चावलों की अब तक जो पहचान हुई है वे हैं? तो 150 प्रकार के।
उत्तर बंगाल में प्राकृतिक वनों की पौधा रोपण क्रिया के परिवर्तन के फलस्वरूप हाथियों के निवास स्थान की जगह को कम कर दिया गया है तो 30%। आकर्षण प्रजातियां पार्थेनियम भारतवर्ष में इसका आगमन हुआ है तो संयुक्त राज्य अमेरिका से। अलकतरा के गर्दकरण जो पेट्रोल परिष्कार करने के को बाद वायु उत्पादक के रूप में निकलता है गोवा के समुद्र तट पर प्रत्येक साल जमा होते हैं 40 टन। देखिए कितना ये प्रवेश प्रदूषण करता है। 1951 ईस्वी से 1980 ईस्वी के भीतर ये आपका कितना इकाई दें सकड़ा हजार 10,000 लाख 5,02,000 हेक्टोयर जंगल के जमीन के लिए परिवर्तित किया गया है तो नदी घाटी परियोजना का। वर्तमान में विश्व की जनसंख्या है तो 6.5 अरब। वह देश जो जैव विविधता में बहुत है तो ब्राज़ील। भारत जैव विविधता में एक पौधा जिसका धार्मिक महत्व होता है तो हिबिस्कस भारत की जैव विविधता की हानि का एक कारण है। अनियोजित विकास भारतवर्ष में पौधों की प्रजातियों की नियमित संख्या है तो 45,000। भारतवर्ष में चिड़ियों की प्रजातियों की कुल संख्या है तो 1228। भारतवर्ष का जैव विविधता हॉट स्पॉट है तो पश्चिम घाट के जंगल। अलीपुर चिड़िया खाना एक उदाहरण है एक्स सीटू संरक्षण का। इन सीटू संरक्षण का एक उदाहरण है तो सुंदर वन बाघ संरक्षण। भारतवर्ष में फफूंदों की कुल प्रजाति की संख्या है तो 12,500। सन 1951 से 1980 के अंतर्गत भारतवर्ष में जंगल क्षेत्र नदी घाटी में परियोजना में परिवर्तित हो गया तो कितना देखिए 5,02,000 हेक्टेयर। विश्व की नदी जिसकी तलछट में अत्यधिक दबाव रहता है तो बसंती नदी। भारतवर्ष में सिंह के प्राकृतिक निवास है गिर जंगल में। सिट्रस पौधे की बहुत प्राचीन प्रजातियां पाई जाती है तो मेघालय में तुराहिल। भारतवर्ष में वर्तमान में जीव मंडलीय सुरक्षा स्थलों की संख्या है 13। पार्थेनियम प्रजाति भारत में भेजे हुए गेहूं के साथ आया है तो संयुक्त राज्य अमेरिका से। MABP का तात्पर्य होता है मानव तथा जीव मंडलीय प्रदूषण। जैव विविधता की हानि का बड़ा कारण है तो ये सभी हो जाएगा। भारतवर्ष में सन 1983 में बाघ की कुल संख्या थी तो 3,000। सुंदर वन एक है तो जीव मंडल सुरक्षा। राष्ट्रीय जंगली सुरक्षा कानून का परिपालन हुआ था तो 1912 वर्ष में। पशुओं तथा पौधों के संबंध के आसपास के अध्ययन को कहा जाता है तो नृवंश विद्या। निम्नलिखित में से किसे विश्व का विरासत स्थान के रूप में डिजाइन किया गया है तो मानस का बाघ संरक्षण। निम्नलिखित में से किसका संकेत जीवित जीवाश्म की तरह है तो लिमुलस। ठीक है, किस प्रकार के पीठ के रीढ़ वाले प्राणी जो समुद्रीय कछुआ के सदृश लगते हैं तो सरीसृप। निम्नलिखित में से किसको चिड़िया खाने के ढेर सारे पटोरों की तरह डिजाइन किया गया है तो उपयुक्त में से सभी को। भारत के एक विलुप्त प्राणी का नाम है चीता। जैव विविधता के संरक्षण तथा विकास होते हैं तो बंधुत्व पर्यावरण में। विगत 50 सालों से एक प्रजाति का प्राकृतिक निवास स्थान पर नहीं पाए जाने को कहते हैं तो इसको विलुप्त प्रजाति। केले के पेड़ का वैज्ञानिक नाम है तो फिकुज बेगालेंसिस। तमिलनाडु में जीव मंडल संरक्षण केंद्र अवस्थित है तो मन्नार की खाड़ी में। देश जो जैव विविधता में अग्रणी है हुए हैं भारत मेडागास्कर ऑस्ट्रेलिया। जीव मंडलीय सुरक्षा स्थल मेघालय में अवस्थित है तो नोक रेक। भारतवर्ष में जैव विविधता संरक्षण कानून की घोषणा साल में हुई थी तो 2003 में। जैव विविधता का वर्णन सामान्य रूप से 3 स्तर में होता है जिनका नाम है आनुवांशिक विविधता प्रजाति विविधता परितंत्र।
छोटे संसार की आबादी के वर्गीकरण के साथ, जो कि वर्तमान में संकटग्रस्त नहीं है परंतु खतरे में है, उन्हें कहा जाता है तो दुर्लभ प्रजाति। दक्षिणी अमेरिका प्रसिद्ध है नदी के जंगल के रूप में, तो जंगली दृष्टि से अत्यधिक जैविक विविधता परितंत्र के साथ है तो जंगली वृष्टि। चिपको आंदोलन की शुरुआत हुई थी तो उत्तर प्रदेश में। आवास जैव विविधता शब्द का दूसरा नाम है तो पारिस्थितिक विविधता। नीलगिरी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र जंगलों में अवस्थित है तो कर्नाटक में। भारतवर्ष में एक सामान्य कद के वृक्ष द्वारा 50 वर्ष से ज़्यादा तक के पारिस्थितिक तंत्र की सेवाओं को प्रदान करने की कीमत है लगभग, ये देख लेगी, इकाई दहाई सैकड़ा हजार, 10,000 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 70 हज़ार रुपये। कोबेट राष्ट्रीय पार्क अवस्थित है तो उत्तर प्रदेश में। भारतवर्ष में हम लोग एक सिंह वाले रीनों का निरीक्षण करते हैं तो कहाँ, असम के काजीरंगा में। राष्ट्रीय रामसार संरक्षण किस क्षेत्र में कार्यशील है तो अत्यधिक पानी वाली जगह द्वारा। बंदीपुर राष्ट्रीय पार्क अवस्थित है तो कर्नाटक में। पश्चिम बंगाल में बेथुआ डोहरी चरागाह कहाँ पर अवस्थित है तो नदिया में। पश्चिम बंगाल में रामसार मेंट कहाँ अवस्थित है तो कोलकाता में। बड़े पक्षियों का अभयारण्य भारतवर्ष में कहाँ अवस्थित है तो राजस्थान में। पश्चिम बंगाल में बाघ परियोजना अभयारण्य अवस्थित है तो इनमें से सभी। भारतवर्ष में प्रायः सभी पौधों की प्रजातियों की देखभाल की जाती है तो 45,000। संकटग्रस्त प्रजाति वे होती है जिनका विवरण किताब में निरीक्षण हेतु रखा जाता है तो लाल आंकड़ा की पुस्तक। भारत में जंगली पशुओं की प्रजातियों को विविध प्रकार के उद्देश्यों के लिए प्रयोग में लाया गया है तो 5,000। लाल डाटा पुस्तक प्रसिद्ध है इसलिए संकटग्रस्त पौधों और प्राणियों के लिए। भारतवर्ष में विकसित होने वाले प्राणी का नाम है तो ये है अंटी एयर एटर। शांत घाटी होती है तो उत्तरी केरल के पालघाट जिले की घनी जंगल घाटी में। चिपको आंदोलन की उत्पत्ति हुई थी, ऑलरेडी भी आ चुका है। सरला बेन सुंदरलाल बहुगुणा तथा चंद्रिका प्रसाद भट्ट शामिल हुए थे किसमें, चिपको आंदोलन में। मानव कुंज पाए जाते हैं तो सुंदरवन में। शांत घाटी पाई जाती है केरल में। भारतवर्ष में निम्नलिखित अपनी प्राकृतिक अवस्था में नहीं पाए जाते हैं तो जेब्रा। विश्व की जमीन के क्षेत्र जंगल आवरण के लिए जरूरी होते हैं तो 30%। श्री सुंदरलाल बहुगुणा ने नेतृत्व प्रदान किया है तो चिपको आंदोलन का। आम के पौधे का वैज्ञानिक नाम है मैंगीफेरा इंडिका। विलुप्त प्रजाति है आपका, देख लिए, प्रजातियां जिन्हें 50 वर्ष के भीतर नहीं पाया गया। भारतवर्ष में वन सुरक्षा संस्थान में कितने हिस्से हैं तो 9.45%। लाल आंकड़े की पुस्तक प्रकाशित हुई थी IUCN। फर्न प्रजातियां अंडमान और निकोबार में अवस्थित है तो 120 प्रकार की। भारतवर्ष में पौधों की प्रजातियों की कुल संख्या है तो 81,000। खाद अनाज की प्रजातियों की कुल संख्या है तो 51। तो अभी आप लोगों ने ये देख लिया कि इसमें लगभग मैंने 100+ क्वेश्चन को डिस्कस कर दिया हूँ। इसका पार्ट टू वीडियो में बहुत जल्द लेकर आ जाऊँगा। चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।